आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। गुड मॉर्निंग अम्मे बेबी। हाय, सुबह हो तो ऐसी हो, इतना खूबसूरत चेहरा देख लिया तुम्हारा तो मॉर्निंग तो गुड होगी। कितने रोमांटिक हो। अरे नेटवर्क कहाँ आएगा, नेटवर्क वहां ट्राई करती हो। अच्छा बताओ कितने बजे आओगे, जल्दी बताओ नहीं तो मैं नीचे जा रही हूँ फिर सबके पास। सही अम्मे, मैं ना बाद में बात करती हूँ। सॉरी बुआ जी, मेरी वजह से आपको ऐसे अचानक फोन काटना पड़ा ना, सॉरी। इट्स ओके सही, अच्छा हुआ मैंने फोन काट दिया, वरना तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड के सामने मुझे बुआ बोल देती। वैसे अच्छा तो ये भी हुआ कि आप मुझे यहाँ मिल गए, अब आप मुझे अच्छे से सलाह दे सकती हैं। सलाह? हाँ, वो आज से बुआ जी मैं कॉलेज जाना शुरू कर रही हूँ ना, तो अब रोज रोज तो मैं विराट सर को मुझे कॉलेज छोड़ने के लिए परेशान नहीं कर सकती। आप तो बाहर जाती रहती है, तो क्या आप मुझे मेरे कॉलेज का रास्ता और बस वगैरह के बारे में समझा देंगी प्लीज? बस इतनी सी बात? अरे मैं हूं ना, तू बैठ मैं आती हूँ। ये मैं तुझे यहाँ पे अपने घर का एड्रेस लिख के दे देती हूँ, इसको तू अपने पास रख, ठीक है? और मोबाइल में मैं तुझे तेरे कॉलेज का एड्रेस, लैंडमार्क और लोकेशन सेंड कर देती हूँ। भेज दिया, अब याद कर ले, हमारे घर से तेरे कॉलेज के साइड पे 3 बसेस जाती हैं, उनमें से कोई भी एक ले सकती है। याद कर ले, 312, 501 और 222। 312, 501 और 222। हाँ, समझला? समझला। थैंक यू सो मच बुआ जी, मुझे ये समझाने के लिए भी और हमेशा सबके सामने मेरा साथ देने के लिए भी। थैंक यू सो मच, यू द बेस्ट। अरे वो तो मैं हूं ही। लेकिन सही, मेरी प्यारी प्यारी चॉकलेट जैसी सही, एक बात बता, जब तू इतनी प्यारी है तो फिर घर वालों के सामने इतनी अकड़ के क्यों बात करती है? मैं कहां अकड़ के बात करती हूँ, वो लोग मुझसे जैसे सवाल पूछते हैं मैं तो उन्हीं की भाषा में वैसे ही जवाब देती हूँ। उन्हीं की भाषा में वैसे ही जवाब देती हूँ। अच्छा ये सब छोड़ दे, अभी तेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है ना? एक दिन तू अपने पैरों पे खड़ी होगी और बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। और तू देखना, ये जो घर वाले है ना, जो आज तेरे को पढ़ाई करने से रोक रहे है ना, यही तेरा साथ देंगे, तेरी कामयाबी में अपना श्रेय बांटेंगे। बुआ जी, मेरे लिए तो मेरी पढ़ाई और डॉक्टर बनना ही मेरी जिंदगी का मकसद है, मेरा और मेरे आबा का सपना। सही, अपने सपने को अधूरा मत छोड़ना, चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे पत्र लेखक कितने भी ताने मारे या अपनी भावनाओं में बहाने की कोशिश कर, तुम बस अपने सपने की तरफ बढ़ती चली जाना, ठीक है? जी बुआ जी, बाकी दीदी मुझे क्या बोलती है क्या नहीं, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैं अपना और अपने आबा का डॉक्टर बनने का सपना साकार नहीं कर लेती, मैं हार नहीं मानूंगी। ये हुई ना बात। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।